जम्मू कश्मीर को भेदभाव भरे अनुच्छेद 370 से मुक्त हुए एक माह होने जा रहे हैं। इस दौरान वहां और खासकर घाटी में हिंसा की कोई बड़ी वारदात न होना उल्लेखनीय है, लेकिन यह भी साफ है कि यह कड़ी चौकसी का नतीजा है। निसंदेह चौकसी आगे भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस फिराक में है कि कश्मीर में किसी तरह हिंसा और अराजकता का माहौल कायम हो। बावजूद इसके यह भी आवश्यक है कि कश्मीर में लगी पाबंदियों को धीरे धीरे उठाया जाए। ऐसा करते हुए वहां के लोगों को यह संदेश भी देना होगा कि अनुच्छेद 370 अब एक इतिहास है। यह अच्छा हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली आए कश्मीर के ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल को यह भरोसा दिया कि उन्हें पुलिस सुरक्षा के साथ ही 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज भी मिलेगा। इससे भी महत्वपूर्ण उनका यह आश्वासन है कि अगले 15-20 दिनों में जम्मू कश्मीर में मोबाइल फ़ोन सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। ऐसा करने के दौरान यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मोबाइल सेवाओं और इंटरनेट का दुरुपयोग ना होने पाए। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब आम कश्मीरी शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देंगे और अराजक तत्वों को हतोत्साहित करने में मददगार भी बनेंगे। इसमें एक बड़ी भूमिका कश्मीर के नेताओं की भी होगी। उन्हें इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा कि समय चक्र को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। इसमें दो राय नहीं कि कश्मीर के हालात बिगाड़ने में पाकिस्तान का हाथ रहा है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि कश्मीर के नेताओं ने भी लोगों को बरगलाने का काम किया है। कायदे से कश्मीर में अब एक नया राजनीतिक नेतृत्व सामने आना चाहिए जो कश्मीरियत को भारतीयता का एक पर्याय बना सके और जो घाटी के लोगों को यह बुनियादी बात समझा सके कि उनका हित भारतीयता के रंग में रंगने में है, ना कि उस पाकिस्तान की ओर देखने में जो दुनिया भर में बदनाम है। इस सब के साथ ही यह भी वक्त की ज़रूरत है कि घाटी के उन लोगों और ख़ासकर दलितों जनजातियों की समस्याओं को सामने लाया जाए जो अनुच्छेद 370 के चलते उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। कश्मीर में लगी पाबंदियां उठाते हुए वहां के माहौल को शांत बनाए रखने में कामयाबी तभी मिलेगी जब दुष्प्रचार करने वालों पर लगाम लगाई जाएगी। क्योंकि कश्मीर को लेकर बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार राष्ट्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, इसलिए कहीं अधिक सतर्क और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति करके ही कूटनीतिक प्रयासों को मजबूती दी जा सकती है। बात अधिक पुरानी नहीं है, कुछ साल पहले तक पूर्वांचल के गांवों में प्रायः ही गूंजने वाला रुदन चारों तरफ संदेश पहुंचा देता कि एक और मासूम ने दम तोड़ दिया है। दिमागी बुखार, चमकी बुखार या नवकी बीमारी का नाम ही इन पिछड़े इलाकों में मौत का पर्याय हुआ करता था। कई दशकों से चले आ रहे इंसेफलाइटिस के इस प्रकोप से बस्ती और गोरखपुर मंडल के 7 जिलों का शायद ही कोई गांव बचा रह गया हो। इन
दो मंडलों में बड़ी संख्या ऐसे परिवारों की थी जिन्होंने इसी बीमारी के हाथों अपने बच्चों को तिल तिल कर मरते देखा था। पूर्वांचल के बड़े अस्पतालों में भी गोद में बीमार बच्चे को उठाए भागते फिरते लाचार माँ बाप का मार्मिक दृश्य आम हो चुका था। बच्चे मर रहे थे, अभिभावक बिलख रहे थे, लेकिन इस बीमारी से निपटने के लिए ना कोई ठोस योजना थी और ना इच्छा शक्ति। इसी कारण वे हजारों नौनिहाल अपने पैरों पर खड़े होने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए जो देश का भविष्य बन सकते थे। गनीमत है दो वर्षों में तस्वीर बदली है। बतौर सांसद लगातार इस बीमारी से लड़ने के लिए आवाज़ उठाते रहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो सरकार में इंसेफ्लाइटिस से बच्चों को बचाने की इच्छा शक्ति जागी और स्वास्थ्य विभाग भी ठोस योजना लेकर आ गया। दो साल में लगातार चल रहे अंतर विभागीय समन्वय अभियान का ही नतीजा है कि पूर्वांचल के बड़े अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या जहां एक तिहाई रह गई है वहीं मौतें भी घटकर 20% पर आ गई हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही इससे उत्साहित हैं। बेशक पहले के हालात देखते हुए यह स्थिति निश्चित रूप से संतोष देने वाली है, लेकिन अभी पूरी तरह निश्चित होने की नौबत नहीं आई है। इस साल अब तक तो बीमारी नियंत्रित रही है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर के दो महीने खासे संवेदनशील हैं, इसलिए अभी सावधानी बरतनी होगी। अभियान में जुटे स्वास्थ्य व अन्य संबंधित विभागों को सतर्कता भरी सावधानी अभी कम से कम दो महीने और बनाए रखनी होगी।